गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेटल और नॉन मेटल के साथ। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के साथ क्या होता है उस चीज को आज हम लोग देखेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट को देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देखिए, ठीक है, फिर इसको देखिए, अच्छे से समझ आएगा। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर नॉन मेटल एड होगा, कोई भी सब्सटेंस में अगर नॉन मेटल एड होगा या फिर मेटल रिमूव होगा तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। नॉन मेटल का एड होना या फिर मेटल का रिमूव होना, दैट्स नोन इज ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो, अगर मेटल एड होगा और नॉन मेटल रिमूव होगा तो वहां पे रिडक्शन होगा। बात को अच्छे से समझो, अगर नॉन मेटल एड होगा और मेटल रिमूव होगा, नॉन मेटल का एड होना या फिर मेटल का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। अगर मेटल का एड होना और नॉन मेटल का रिमूव होना, ठीक है, इनमें से दो कोई भी हो, मेटल का एड हो रहा है या फिर नॉन मेटल रिमूव हो रहा है तो वह रिडक्शन होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल, फिर अच्छे से समझ आएगा ये। देखो बच्चों, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या भैया, कॉपर ऑक्साइड। यहां पे देखो CU था, CU से क्या बना, CuO, कॉपर ऑक्साइड, CU से CuO, मतलब ऑक्सीजन एड हुआ, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बच्चों, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि कौन एलिमेंट मेटल है कौन नॉन मेटल है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसके लिए शानदार वीडियो डाल रखा चैनल पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट्स इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब अच्छे से आना चाहिए कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये जानोगे तब तो करोगे। यहाँ ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन में क्या जुटा, कॉपर जुटा, ऑक्सीजन में क्या जुटा, कॉपर जुटा, एडिशन ऑफ कॉपर, कॉपर, और कॉपर क्या है, मेटल है बच्चों, और मेटल का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, चलो यहां ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। अच्छा, ये भी जान लो, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हुआ जिसके साथ, इसके साथ हुआ, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसे होता है, इस चीज को पिछला वीडियो में अच्छे से हम लोग कंफर्म किए हैं कि हाँ, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसके साथ रिडक्शन तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये बनाया कॉपर प्लस H2O वाटर। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, यहां देखो CuO से Cu बना, ठीक है, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है ना, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां देखो H2 से H2O बना, यहां ऑक्सीजन एड हो रहा है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ रहा है, अगर मेटल जुटेगा तो क्या होगा और नॉन मेटल जुटेगा तो क्या होगा, और बच्चों इसके साथ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया।